हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम देखने वाले हैं क्लास डिस्कशन की पार्ट 3 वीडियो। जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 2 देख लीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पेज 98 और 99 पे दी गई एक्सरसाइज। तो जल्दी से पेज 98 खोल लीजिए अपना। क्वेश्चन 2, फिल इन द ग्रिड विद गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन। सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू। अब ये एक्सरसाइज करने से पहले हम ये जो बॉक्स आपको ग्रीन कलर का बना है, इसमें जो वर्ड्स दिए हैं उनको पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट इज ब्रेव यानी बहादुर। नेक्स्ट नॉटी, नटखट, आपकी तरह बिल्कुल। थर्ड क्वाइट, चुप, जैसे जेन रहती थी। नेक्स्ट टॉकेटिव, बातूनी, जैसे आप सभी लोग होते हो क्लास में, बातूनी। नेक्स्ट जेनरस, उदार, उदार मीन्स जो अपनी चीज़ें देने वाला हो। नेक्स्ट स्टूडियस, अध्ययनशील, जिसका मन पढ़ाई में खूब लगता हो। चलिए अब ऊपर दिए हुए क्लूज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर्स। लेंड्स मतलब देना, वो अपने पार्टनर को पेंसिल देती है, इसका मतलब वो क्या हुई, जेनरस। सेकंड, नीरव इज आल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है जो खूब बातें करता है, टॉकेटिव। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। प्रणव ने एक कैट को लेक में डूबने से बचा लिया, तो वो क्या हुआ, ब्रेव, बहादुर। मेघा इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ नीरव। नीरव है टॉकेटिव और मेघा है उसकी उल्टी, विलोम शब्द टॉकेटिव का। टॉकेटिव मतलब बोलना और बोलने का उल्टा चुप यानी क्वाइट। मिथिला ऑलवेज टीजेज एवरीवन। मिथिला जो है वो हमेशा हर एक को चिढ़ाती रहती है। टीजेज मतलब चिढ़ाना, तो इसका मतलब मिथिला क्या हुई, शरारती, नॉटी। रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। रितु के हाथ में हमेशा किताब दिखाई देती है, तो वो क्या हुई, स्टूडियस। ये एक्सरसाइज और वर्ड्स के मीनिंग्स तो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो चलिए आज हम करने वाले हैं इसके बाद नोटिस। नोटिस बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो चलिए देखते हैं नोटिस पहले होता क्या है। इट इज़ अ शॉर्ट वे टू कम्युनिकेट टू द कंसर्न पीपल। यानी जब आपने अपनी बात कुछ लोगों तक पहुँचानी है तो आप थोड़े से शब्दों में उसे लिखोगे, और उस बात में ये बताना बहुत ज़रूरी है हु, वेन, वेयर और वॉट। यानी कि नोटिस किसने लिखा है, ये जो भी आपने बात लिखी है ये कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, और नोटिस किसने लिखा है उसका नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सो यू हैव टू राइट डाउन द नेम एट द बॉटम। नीचे अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ जब नोटिस तैयार हो जाए उसे बॉक्स में डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों की उस पर नज़र पड़ सके। तो चलिए जल्दी से पेज 99 देख लीजिए। द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ क्लास 5 रोट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। क्लास 5 के बॉयज़ और गर्ल्स ने बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लगाया। तो चलिए देखते हैं क्या है ये नोटिस। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस नोटिस को बॉक्स में इन्होंने किया है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ऊपर लिखा है नोटिस। अब देखते हैं नोटिस किस बारे में है। द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द क्लास रूम ऑन मंडे एट 2:00। विल प्लान फॉर अ प्ले ऑन एनुअल डे। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज़ ब्रिंग अ प्ले। और नोटिस किसने लिखा है, उसका नाम नीचे दिया है, शीला। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में हु, वेन, वेयर और वॉट क्या क्लियर हो रहा है। हु वॉज टू मीट यानी कौन मिलने वाले हैं। ड्रामा कमेटी में बच्चे मिलने वाले हैं। वेन कब मिलने वाले हैं, मंडे को 2 बजे। वेयर कहाँ मिलने वाले हैं, क्लासरूम में। और वॉट दे हैव टू डू, वो किस लिए, क्या कारण है मिलने का, क्योंकि वो एनुअल डे में एक ड्रामा करने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने प्लानिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैसेज में क्लियरली बताई गई हैं। नोटिस में एक चीज़ मिसिंग है और वो है डेट। नोटिस लिखने के बाद आपको डेट लिखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स प्रैक्टिस अ नोटिस। राइट अ नोटिस अबाउट अ फुटबॉल मैच। एक फुटबॉल मैच होने वाला है जिसके लिए आपको नोटिस लिखना है। सबसे पहले मैं बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स को बाद में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद आप सबसे ऊपर लिखोगे नोटिस और उसके नेक्स्ट लाइन में डेट, जो भी उस दिन की डेट है। फिर आप फुटबॉल मैच के बारे में लिखोगे कि वो कब होने वाला है। एन इंटर हाउस फुटबॉल मैच विल बी प्लेड ऑन सैटरडे एट 5 PM इन द स्कूल ग्राउंड। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट कैन गिव मी देयर नेम्स टुडे। अब मैंने पूरा उसके बारे में बता दिया कि वो मैच कब होने वाला है, सैटरडे को 5 बजे, कहाँ होने वाला है, स्कूल के ग्राउंड में, और कौन खेलने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये स्पेशली नोटिस है कि अपना नाम मुझे आज तक दे दीजिए,
और ये नोटिस किसने लिखा है, क्योंकि ये नोटिस मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम लिख रही हूँ, प्रिया मेहता। आप चाहें तो इस नोटिस का एक स्नैपशॉट अपने पास रख सकते हैं। और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर।